नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्मिता गुप्ता इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में कथित रूप से नेताओं के नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने गिरफ्तारी और पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग। एएनएम घोटाले के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के ओएसडी पर लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए पीएम की कुर्सी दूर की कौड़ी के बराबर है। और पश्चिम चंपारण जिले में वित्त रहित संयुक्त मोर्चा द्वारा मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार लगातार छठे दिन भी रहा जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत इंटर स्तरीय परीक्षा के प्रश्नों के लीक होने के मामले में कथित रूप से कई नेताओं का नाम सामने आने के बाद विधानसभा ने एनडीए के सदस्यों को उनकी गिरफ्तारी और सरकार से मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। इस बात को लेकर सोमवार को सदन में काफी बार शोर शराबा हुआ। इससे पहले एनडीए के विधायकों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन भी किया। भाजपा विधायक अरुण कुमार ने कहा कि जब तक घोटाले में शामिल मंत्रियों और नेताओं के विरुद्ध सरकार कार्यवाही नहीं करती, वो चुप नहीं बैठेंगे। घोटाले में संलिप्त मंत्रियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। देश पांडे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जिंदाबाद। आज हाउस में इस विषय पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भ्रष्टाचार और इस तरह संलिप्तता और यह जो बलात्कार है, ऐसे विधायक ऐसे मंत्री खुलेआम छाती ठोक कर घूम रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी और इनको पदच्युत करने की मांग को लेकर आज हम लोग सदन में विषय को उठाने वाले हैं और सरकार को दबाव देने वाले हैं कि इस विषय को गंभीरता से लेकर स्पष्ट निर्णय ले। एएनएम घोटाले के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के ओएसडी पर आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने कहा कि एएनएम घोटाले में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के नंबर से कॉल किया गया था। तीन तीन बार ओएसडी की तरफ से पैरवी कर नीतीश सरकार स्वास्थ्य मंत्री को बचाने का काम कर रही है। राज्य सरकार को निष्पक्षता के साथ मामले की जाँच करनी चाहिए। और 9431000330 इस मोबाइल नंबर से और परमेश्वर राम को फोन करके बासंती कुमारी सहित चार लोगों की पैरवी की थी। मैं अपनी बात पर कायम हूँ और अगर हिम्मत है सरकार में तो परमेश्वर राम को जिन जिन लोगों ने मोबाइल पर फोन करके पैरवी की थी, दबाव डाला था, उन सारे मामलों की जांच कराई जाए। वहीं योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी के यूपी के सीएम बनने पर लालू प्रसाद इतने सदमे में चले गए हैं कि क्या गाली दें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। पूरी ताकत लगा दी है यूपी में 300 सीट जिताने के लिए, 30 सीट भी नहीं जीता पाए। आज वो गाली गलौज की भाषा पर उतर आए, इसलिए मैंने कल कहा था इतने सदमे में है वो किस गाली का प्रयोग यही सोच रहे हैं। लालू यादव तो गाली गलौज के अलावा कुछ जानते नहीं है। उनको तो ये बताना चाहिए क्यों अखिलेश यादव को और मात्र 47 सीटें पाई कांग्रेस और दोनों को मिलाकर इसका जवाब देने के बजाय वो गाली गलौज कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि मैं और मंगल पांडे और नागेंद्र जी सारे लोग लखनऊ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। और देखिए योगी आदित्यनाथ अभी तक यूपी के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में से एक साबित होंगे और इन सब लोगों की हवा निकल गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का कैसे मुकाबला किया जाए। तो जो अपने दामाद को नहीं जिता पाए, जो बाप बेटे में दोस्ती नहीं करा पाए, जो नीतीश कुमार को तैयार नहीं कर पाए, अब जब हवा निकल गई तो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं लालू यादव के गाली गलौज की भाषा का जवाब मैं गाली गलौज से नहीं दूंगा। और मैंने पहले भी कहा था कि लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया था उसका जवाब यूपी की जनता देगी और यूपी की जनता ने उसका जवाब दे दिया। राजधानी पटना में आयोजित होने वाली बिहार दिवस कार्यक्रम